वेराड तहसील क्षेत्र के सड़ ककराई गांव में स्थित उचित मूल्य की दुकान पर पदस्थ सेल्समैन द्वारा सड़गांव के गरीब आदिवासी परिवारों को पिछले 2 माह से राशन नहीं बांटा। बुधवार को जब सड़गांव के गरीब आदिवासी परिवार दुकान पर राशन लेने पहुंचे तो आदिवासी महिला पुरुषों को राशन की जगह सेल्समैन ने गालियां देकर भगा दिया। इसकी शिकायत ग्रामीणों ने वेराड तहसील कार्यालय पर की, जहां तहसीलदार के नहीं मिलने पर गरीब आदिवासी महिला पुरुष राशन की मांग और सेल्समैन के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर तहसील कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। यहां आपको बता दें कि वेराड तहसील क्षेत्र में कमीशनखोरी की वजह से राशन दुकानों के सेल्समैनों की मनमानी चरम सीमा पर पहुंच गई है। इन लोगों को कार्रवाई का डर नहीं होने से ये धड़ल्ले से गरीबों के हक पर डाका डाल रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? क्या समस्या आ गई तुम्हें? कौन नहीं दे रहा? कौन नहीं दे रहा? क्या नहीं दे रहा? क्या नाम है तुम्हारा? श्रीलाल। कौन से गांव के हो? सड़क है। आज यहाँ तहसील पे आए हो, क्यों आए हो? कंट्रोल शिकायत में। क्या समस्या आ गई? हमें खाद्यान्न नहीं मिला साहब, 2 महीने आते। क्या कह रहा है सेल्समैन? सेल्समैन दारू पी के हम उन टोसू तो गाली पकता है, कहता है ज़्यादा करेंगे तुम्हारे खोपड़े पाता हूँ। अच्छा, हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? नवाब सिंह। कौन से गांव के हो? सड़क। क्या समस्या आ गई तुम्हें? राशन नहीं मिल रहा हमारा, 2 महीने का राशन आया, 1 महीने का दे रहा है। कौन दे रहा है? बोलते हैं तो गाली देता है। कौन दे रहा है? अवतार यादव। अवतार यादव कौन है? ककराई का है। अच्छा,